दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कैसे आप इस छोटी सी मशीन को यूज करके घर से इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखिए, जिससे कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए रेगुलर अपडेट्स के लिए। दोस्तों, दिवाली पास में आने वाली है और हमारे एनालिटिक्स के हिसाब से फेस्टिव प्रोडक्ट की सेल आसमान छूती है। तो आज मैं आपके लिए मैं ऐसा ही प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जिसमें आपको इस छोटी सी मशीन को यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाना है। इस मशीन से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, ये आप दिवाली में बहुत बड़े डिमांड में तो बेच ही सकते हो, बट बाकी दिनों में भी आप अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर इसे बेच सकते हो। ये मशीन को यूज़ करना बहुत ईजी है। घर की बिजली पर चलने वाला ये मशीन कोई महिला भी इसे यूज़ कर सकती है और ये प्रोडक्ट बना सकती है और उसे बेचकर अपने घर के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकती है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिन्हें कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर उन लोगों के लिए भी है जिन्हें कभी कोई बिजनेस ही नहीं किया और एक्सपीरियंस के लिए शुरू में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आप इस वीडियो को देख कर ये बिजनेस आप घर से ही शुरू कर सकते हो। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत डिमांड में रहता है और आप इसे लोकल मार्केट में तो आसानी से बेच ही सकते हो, बट बड़े प्रॉफिट मार्जिन पर भी आप ऑनलाइन में बेच सकते हो। ये प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट अराउंड 80 रुपीज़ आती है और आप उसे मार्केट में कम से कम 300 रुपये तक बेच सकते हो और उससे ज़्यादा भी बेच सकते हो। आपके हिसाब से बेचना है कि आपको कितने दाम पर आगे बेचना है। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो भी मशीन और रॉ मटेरियल लगेगी, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है येलो ऐप ने, जो आपको हेल्प करता है जेन्युइन तरीके से लोन अप्रूव करने में। अगर आपको कोई बिजनेस करना है और लोन की जरूरत है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके अलग अलग लोन पॉलिसीज कंपेयर कर सकते हो और आपके लिए बेस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन अप्रूव कर सकते हो। सो ये वीडियो खत्म होने के बाद मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां पर आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस मशीन को यूज करना है और आपको ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है। उसी के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको इसकी मार्केटिंग करके ये प्रोडक्ट कहां कहां बेचना है, और लास्ट में बताऊंगा मैं कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। दोस्तों, हमारे चैनल को 95,000 से भी ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि उनसे कोई भी बिजनेस आइडिया जो भी मैं लेके आऊँ वो मिस ना हो। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपसे कोई भी बिजनेस आइडिया मिस ना हो। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस मशीन को यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाना है। दोस्तों, आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हो कि ये मशीन के अलग अलग एक्सेसरीज है और उसके साथ आपको मोल्ड्स मिल जाते हैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। दोस्तों, इस मशीन को बोलते हैं चॉकलेट मेल्टिंग पॉट। आपको इस मशीन का यूज़ करके हैंडमेड चॉकलेट्स बनाने हैं। इसमें आपको लगने वाला है चॉकलेट कंपाउंड, जिसके आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और ये टुकड़े आपको मेल्टिंग पॉट में डालने हैं और इन चॉकलेट्स को मेल्ट करना है। अब आप बोलोगे कि यार सर, हम लोग तो ओवन का यूज़ करके भी चॉकलेट्स मेल्ट करके बना सकते हैं। दोस्तों, ओवन वाले प्रोसीजर में आपको बार बार ओवन से चॉकलेट्स निकाल कर वापस फिर मोल्ड में डालना पड़ता है, तब तक वो सूखने लगता है और फिर वापस आपको ओवन में डालकर वापस गर्म कर वापस मोल्ड में डालना पड़ता है। सो इस प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ये मशीन कंटिन्यू चॉकलेट को गर्म रखकर मेल्ट रखने का काम करती है, जिससे कि आप अपने हैंडमेड चॉकलेट आसानी से बना सको। सो ये चॉकलेट्स पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद आपको आपके मोल्ड में ये चॉकलेट्स डालने हैं। आप चाहे जैसे मोल्ड चाहो, जिस जो भी शेप के चाहो, दिल के शेप के चाहो, राउंड शेप चाहो, स्क्वायर शेप चाहो, वो मोल्ड यूज़ करके आप इन मोल्ड्स में ये चॉकलेट्स डालकर बना सकते हो। ये मोल्ड्स आपको मशीन के साथ भी मिल जाते हैं, या फिर आप बाहर से भी अलग मोल्ड्स ले सकते हो। ये मेल्टेड चॉकलेट्स में आप अलग अलग चीज़ें भी डाल सकते हो, जैसे बादाम हो गया, फिर किशमिश हो गया, अलग अलग जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें ऐड करके आप इन चॉकलेट मोल्ड्स में ये मेल्टेड चॉकलेट्स डाल सकते हो और चॉकलेट्स बना सकते हो। अब ये चॉकलेट्स रेडी हो गए हैं मोल्ड से बाहर आकर। अब ये पैकिंग के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब सीख लेते हैं कि इसकी पैकिंग कैसे करनी है। ये पैकिंग करने के लिए आपको रैपिंग पेपर लगता है। ये रैपिंग पेपर भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि कैसे ये स्क्वायर शेप में आपको ये पैक करना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपको पोटली के टाइप में आपको रैप करना है, कि ये पोटली का भी एक सिल्वर फॉइल का ये पेपर आता है, मार्केट में भी आपको ये आसानी से मिल जाता है। तो उसमें आपको चॉकलेट करना है और वायर की मदद से, छोटे छोटे वायर्स की मदद से आपको ये ऐसा बाइंड करके। अब ये चॉकलेट्स बेचने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब देख लेते हैं कि ये मशीन और इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लगने वाली है बनाने के लिए और पैकिंग करने के लिए, आपको मार्केट में कहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी हम लोग देखेंगे कि ये मशीन और चॉकलेट बनाने के लिए और पैकिंग के लिए जो भी मटेरियल लगेगा वो आपको कहाँ से मिलने वाला है। तो आपको गूगल पे जाकर जाना है अमेजोन पर, अमेजोन वेबसाइट पर। दोस्तों जैसे ही आपकी ये वेबसाइट लोड होने के बाद आपको सर्च करना है चॉकलेट मेल्टिंग पॉट, तो आपको ये ऐसी मशीन मिल जाएगी। चिंता ना करें, इन सबकी जो एक्सेसरीज और फिर जो भी पैकिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको मिल रही है मशीन 699 रुपीज में विथ फ्री डिलीवरी। यहाँ पे आपको सारा जो एक्सेसरीज और या मशीन है, ये जो सारे मोल्ड्स है, ये आपको मिल जाते हैं उसी के साथ। तो आपकी चिंता ना करें कि आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो इसी सेट में आपको 699 रुपीज़ में पूरा सेट आपको चॉकलेट, हैंडमेड चॉकलेट मेल्टिंग का या फिर बनाने का आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डार्क कंपाउंड चॉकलेट स्लैब में, जिससे कि आपके चॉकलेट मेल्ट होकर बनेंगे। तो ये आपको मिल जाते हैं 400 ग्राम 85 रुपीज़ में, बट 85 प्लस 79 आपका डिलीवरी चार्ज भी लग जाता है, मतलब 164 रुपीज़ में आपको 400 ग्राम चॉकलेट मिल जाता है मेल्ट करने के लिए। तो इसका आप यूज़ करके आप चॉकलेट मेल्ट करके अपने अलग अलग चॉकलेट फ्लेवर के चॉकलेट्स बना सकते हो। अब हम लगते हैं, जैसे ही आपका चॉकलेट बन जाए तो सबसे मेन बात आती है इसके डेकोरेशन की और पैकिंग की, तो देख लेते हैं। दोस्तों पैकिंग मटेरियल भी आपको अमेजोन पर मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हो कि ये रैपर्स, एल्यूमिनियम फॉइल के जो रैपर्स है, अट्रैक्टिव रैपर्स, आप इन चॉकलेट्स पर कवर करके पैकिंग के लिए रेडी रख सकते हो और बेचने के लिए पूरी तरह से रेडी है, जो आपको अराउंड 160 के आसपास ये मिल जाते हैं। सो जैसे ही आपके चॉकलेट्स रेडी हो जाते हैं, अब ये रेडी है सेल करने के लिए। अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है तो भी मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि कितने बड़े प्रॉफिट मार्जिन पर ये चॉकलेट्स बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चॉकलेट मल्टी कलर, मल्टी डिजाइनर पाउच, ये हैंडमेड चॉकलेट्स आप देख पा रहे हो, और 100 ग्राम बार्स। अब ये पैकेट में 100 ग्राम कितने को बेचा जा रहा है, 240 रुपीज़ में सिर्फ 100 ग्राम। और हमने जो रॉ मटेरियल लिया था, अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि 400 ग्राम जो था वो आपको मिल रहा है 164 रुपीज़ में, और यहाँ पे सिर्फ वो 100 ग्राम बिक रहा है 240 रुपीज में। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन पर ये बिक रहे हैं, और वही चॉकलेट्स है जो हमने सीखे हैं इसी वीडियो में आपको बनाने के लिए, और मैंने दिखाया भी कैसे आपको पैक करना है। सो इस तरह था ये हैंडमेड चॉकलेट्स का बिजनेस, कि आपको दिवाली में कितने बहुत सेल होते हैं, क्योंकि चॉकलेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गिफ्टिंग में भी और अलग अलग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 550 रुपीज अमेजोन पर तो बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन पर बिक रहा है। और ये अलग आप पोटली में भी 10 पीस के पैकिंग में आप ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो कि 229 रुपीज में ये बेचा जा रहा है। अगर आपको ऑनलाइन वगैरह सेल नहीं करना है और ऑफलाइन सेल करना है, मतलब लोकल मार्केट में सेल करना है, और उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, कैसे सेल करना है, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन सुटेबल नहीं हो रहा है बेचना, तो आप लोकल मार्केट में भी इन चॉकलेट्स को बेच सकते हो। आप अलग अलग गिफ्ट शॉप से टाइप कर सकते हो और उन्हें बोल सकते हो कि मैं आपको गिफ्टिंग के लिए मैं चॉकलेट अच्छे से रैप करके आपको, आपके कस्टमर्स को गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा। या फिर आप कॉरपोरेट्स जो भी है ऑफिसर्स, उनसे टाइप कर सकते हो, क्योंकि कॉरपोरेट ऑफिसर्स अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को कभी कभी चॉकलेट्स के बुके गिफ्ट करती है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपने टाइप किया होगा तो आपको उन चॉकलेट्स के बुकेज या फिर छोटे छोटे रैप्स बना के उनको आप चॉकलेट भी बेच सकते हो। तो इस तरह आप इसकी मार्केटिंग लोकल मार्केट में आपका एक अलग पहचान बना सकते हो। इस तरह था ये चॉकलेट बनाने का बिजनेस। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।